गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई हमारे सामने खड़ी है किया सेल्टोस और ये भाई इसकी की। ये गाड़ी की कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस कार है और इसकी सेल्स जो होती है कोई तोड़ नहीं, मतलब इतनी बिक जाती है इसकी यूनिट्स किया की सेल्टोस और सोनेट। अभी अंदर खड़ी है आपकी EV6 जो कि न्यूली लॉन्च कार है। थोड़ा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, ये किया की पहली इलेक्ट्रिक कार है जो कि किया की तरफ से लॉन्च की गई है। इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 69 लाख से और 75 पे ख़त्म होता है। तो इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स हो रखे हैं स्पीड वगैरह में। तो वही आते हैं अपने किया सेल्टोस की तरफ। तो पहले आपको दिखाता हूँ उसकी की जिसमें आपको मिलता है लॉक अनलॉक ये होल्ड बटन और आपका ये इससे बूट ओपन हो जाता है। तो की देखो भाई कितनी ज़्यादा इसकी प्रीमियम है जो आपको मिलती है लग्जरी कार्स में, उस टाइप का पूरा पैटर्न दे रखा है यहाँ पर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ से आपकी कार लॉक हो जाएगी, यहाँ से अनलॉक, और जब आप कार अनलॉक लॉक करते हो ये आवाज़ करती है क्योंकि कभी कभी थोड़ी अनोइंग लगती है आवाज़ जो है इसकी, बट आप इसको कहीं ना कहीं से बटन दबा के इसको चेंज कर सकते हो। तो एक बार आपको रियल दिखा देता हूँ गाड़ी को, ऐसे भाई कुछ पीछे से देखने में किया सेल्टोस स्टेक्स वेरियंट। ये किया की बैचिंग भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों ये गाड़ी इतना बिकती है, क्या इसमें ऐसे फीचर्स आते हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करती है। आज संडे है और मैं किया शोरूम में हूँ। आज भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा डिलीवरी है हो रखी है। अभी एक अंदर ही खड़ी है डिलीवरी, आपको दिखाता हूँ। आई गेस ये सेल्टोस है, ये देखिए कवर लगा के खड़ी है। तो उसकी भी एक डिलीवरी होने वाली है। तो भाई देख सकते हो संडे को कितना क्रेज़ है, संडे आज के दिन छुट्टी आती है फिर भी गाड़ी की डिलीवरी हो रही है। तो इससे पता चलता है इन गाड़ी की सेल्स कितनी ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा है इन गाड़ी की। चलते हैं पहले गाड़ी के अंदर, वो दिखाता हूँ फिर इसका इंटीरियर वगैरह। तो जैसे तैसे करके मैं आ चुका हूँ अंदर। ये आप देख सकते हो साइड में बाउंड्री वॉल लगी है इसकी वजह से थोड़ा डर लगता है कि टच ना हो रहा है, नई गाड़ी है भी इसलिए और दूसरे कस्टमर की है इसकी भी डिलीवरी है। तो भाई मैं आ चुका हूँ किया सेल्टोस के अंदर और सबसे पहले जो आपको दिखता है इसमें सबसे खास वो भाई इसका स्टेयरिंग जिस पर नज़र आती है। ये जो बटन्स है ना पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं। ये जो फिनिशिंग दी गई है इसमें ब्लैक और ये सिल्वर कलर है, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत पसंद आती है। और आज के टाइम तो जो उसकी गाड़ी की एम्बियंस लाइट ना चार चांद लगा देती है। तो सबसे बड़ा एक मेन रीज़न जो लोग लेते हैं किया सेल्टोस वो यही है भाई इसका जो इंटीरियर है ज़बरदस्त, मतलब एक्सटीरियर लुक तो बढ़िया है ही, इसका जो इंटीरियर है वो भी एक नंबर है। तो यहाँ पर आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आपको दिखाता हूँ ये रहा। पहले आप एक बार अच्छे से देख लो उसका डैशबोर्ड वगैरह, इसके बाद करते हैं कार को अपनी स्टार्ट, इग्निशन ऑन करते हैं। जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो उसमें आपका जो मीटर है ऐसा कुछ शो होता है और हल्की सी एक आवाज़ आती है भाई इस गाड़ी की। मैंने एक मिनट इस कार की मैंने टेस्ट ड्राइव भी ले चुकी है और ये डीजल मॉडल है, क्या भगती है भाई, बहुत अच्छा भगती है। इसका जो पिकअप वगैरह है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भगवान है भाई। और ये फन टू ड्राइव कार है। एसी कर लेते हैं अपने ऑफ, यहाँ से आवाज़ आएगी। और ये अपना जो रेडियो है इसको भी ऑफ कर लेते हैं, एक मिनट। और भाई ये इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। यहाँ से ये कनेक्टेबल है यहाँ तक, कितना बड़ा आपको मिल जाता है। और दूर से देखने में भाई जो फीलिंग आती है ना दिखने में उसको, बिल्कुल प्रीमियम ये कार है भाई, प्रीमियम बहुत ज़्यादा। 20 लाख के बजट में सबसे बेस्ट कार लगती है मुझे किया सेल्टोस। और यही सी ये सब चीज़ देख के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसकी डिलीवरी गाड़ी की होती है। मतलब अब भाई देखो उससे कॉम्पिटिशन में हालांकि क्रेटा भी है, बट क्रेटा आप चला के देखना, डीजल वैसे डीजल आता नहीं क्रेटा का, पेट्रोल आता है। आप पेट्रोल चलाना और एक बार किया के पेट्रोल चलाना आपको अंतर पता चल जाएगा। हालांकि जो हिंडे के जो फिनिश सॉरी हिंडे के जो इंटीरियर वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्रीमियम है, बट इसके सामने भाई मेरे को फेल लग रहा है। अब वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। कार को करते हैं स्टार्ट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो साइलेंट स्टार्ट आपको फील होता है, बट डीजल गाड़ी हल्का सा वाइब्रेट हुई थी। एसी कर लेते हैं ऑन। और भाई ये इसका स्टीयरिंग पहले आपको दिखाता हूँ, जब उसको मोड़ते हैं ना बहुत ज़्यादा स्मूथ स्टेटिंग है इसका, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले नज़र आती है उसके किया लोगो पर, अभी इसने पेनी फिन लगा रखी है तो हटा नहीं सकते इसको।
और जो उसका डैशबोर्ड ऊपर है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। इसका जो टॉप मॉडल आता है भाई, इसमें आपको बॉस का स्पीकर्स मिल जाते हैं, इसमें बॉस के स्पीकर्स आपको नहीं मिलते। इस कैब में टोटल आपको 4 AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ उसके स्क्रीन। तो भाई ऐसे कुछ उसका स्क्रीन, और आप देख सकते हो जो उसकी लाइटनिंग है कितनी ज़रा अच्छी लग रही है देखने में। तो ये सपोर्ट करता है एप्पल कापले, ब्लूटूथ, FM रेडियो, वॉइस कमांड, एंड्रॉइड ऑटो, जो कि आजकल हर गाड़ी में आ ही रहे हैं। और टच रिस्पॉन्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, किया कि गाड़ी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। जैसे टाटा वगैरह की गाड़ी में आपको पता है सर्विस शोरूम जाना पड़ता है, इनकी गाड़ी में वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब भाई ये इसका ग्लव बॉक्स, इसमें थोड़ी बार आपको स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर अपना AC कंट्रोल कर सकते हो। एक छोटा भाई बाहर था उसको अंदर ला लिया। यहाँ से भाई अपना आप इसको चार्ज कर सकते हो फ़ोन वगैरह को। ये USB पोर्ट है, ये आपका 120 चार्जिंग पोर्ट हो गया, यहाँ से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये आपको दिखा दिया मैंने, ये अपना AC आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। इसमें ऑटोमेटिक वेदर क्लाइमेट वगैरह मिल जाते हैं आपको ऑटोमेटिक, जैसे आपको जैसे वेदर है उस हिसाब से खुद ही गाड़ी अपना नॉर्मल ठंडी हो जाएगी, ठीक है भाई। और ये इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है, थोड़ा और लुक एनहेंस हो जाता है ऑटोमेटिक की तरफ अगर आप जाते हो तो। आपको एक फेक बटन से मिलता है, सॉरी बटन है नहीं, सॉरी, ये आपको मिलता है एक बटन व्यू, आपका रिवर्स कैमरा, सॉरी फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन हो गया, रिवर्स बोल रहा हूँ मैं। कैमरा क्वालिटी जो है वो इतना अच्छा नहीं है मैं बोलूँ तो, भाई सॉरी गलती से रिवर्स कैमरा ही था, मैंने वो बोल दिया, थोड़ा दिमाग खिल गया। ठीक है, इसको ऑफ कर लेते हैं यहाँ से। ये पार्किंग आपका बटन मिल गया, और ये आपकी मैनुअल हैंड ब्रेक भाई इसमें काम नहीं किया इन लोगों ने, बिल्कुल नॉर्मल सी हैंड ब्रेक दे रखी है। आपके जो कप होल्डर्स हो गए या आर्मरेस्ट हो गया, इसके अंदर थोड़ी बार कुछ स्पेस मिल जाती है। और सबसे कमाल की चीज़ मुझे लगी ना इसमें, वो आपको पीछे दिखाऊंगा मैं। तो भाई यहाँ का हमने कवर कर लिया, और जो इसका ये है इसका मिरर, जो कि नॉर्मल नहीं मिलता आपको इसमें। रात के टाइम जब लाइट्स पड़ती हैं तो जो इसका मोड है वो ऑन हो जाता है, आप सब जानते होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि और इस प्राइस में ज़्यादा कार में नहीं दे रहे हैं कंपनी वाले। भाई इसका वाइजर हो गया जो कि नॉर्मल मिलता है विदाउट मिरर, इसमें आपको मिरर मिल जाता है, लाइट नहीं मिलती। लेकिन अब आते हैं भाई सबसे ट्रेंडिंग जो इंडिया में चलती है, सनरूफ की तरफ। तो भाई उस गाड़ी को सनरूफ देखो यार, मेरे पास स्कॉर्पियो है जो सामने खड़ी है, उसकी भी छोटी है, उसके सामने देखो सनरूफ देखो यार। दैट्स द मेन रीज़न क्यों लोग जाते हैं इस गाड़ी की तरफ। अभी मैं खोलूँगा ना, गर्मी बहुत हो रही है, वो गर्म बढ़ रहा है पूरा, तो उसको ऑफ ही कर देते हैं। बहुत बड़ी सनरूफ है ये सनवाइजर हो गया आपका, सनग्लास होल्डर, ये आपकी रेडिंग लाइट्स हो गई, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली अपने हाथ से। और भाई मैं आपको सीट्स दिखाऊंगा इसकी, तो देखो सीट्स इसमें वेंटिलेटेड आप टॉप मॉडल में आपको मिलती है, ये नॉर्मल सीट मिलती है आपको, बट ये दिखने में काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ दिक्कत क्या है, गंदा बहुत जल्दी होता है, तो जैसे आप गाड़ी के अंदर कुछ खा पी रहे हो तो आपको ध्यान से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा हुआ है, वाइट कलर हल्का से वाइट है और थोड़ा स्किनी कलर टाइप है, तो गंदे होने के चांसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा। बाकी आपको एक स्पीकर नीचे मिल जाता है, ट्विटर की पोजीशन ऊपर मिल जाती है, और उसके स्पीकर्स जो ये मॉडल है, इस मॉडल में जो इसके स्पीकर्स हैं वो सही हैं। आपको थोड़ा और अच्छे स्पीकर्स चाहिए तो आप जा सकते हो उसके टॉप मॉडल की तरफ, जो कि थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो मॉडल पड़ता है आपको एक्स शोरूम 18 से शुरू होता है और 20 तक आपको जो एक्सेसरीज वगैरह ला के ख़त्म हो जाते हैं। भाई चलते हैं भाग की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। जैसे तैसे करके मैं आ गया पीछे, तो भाई मैं आ चुका हूँ उसकी रियर सीट्स पे, और एक बार जो सीट है थोड़ा आई करना है उसको हल्का सा, ये सीट की पोजीशन थोड़ा पीछे हो रखी है, आपको दिखाता हूँ। कि मेरी हाइट जो है वो 5'11" है समथिंग, और मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही गाड़ी बैठने में, हालांकि इसमें भी बीच में आपको हम मिल जाते हैं, बट खड़ा दिखाऊँ देखो बिल्कुल से बैठा हूँ, और मेरा जो और जो रूफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, जस्ट गाड़ी का डिलीवरी हो रही है साइड में भाई। अभी देखो भाई यहाँ मैं पैर रखे अपने आराम से, मेरे जो पैर है वो भी कंफर्टेबल बैठे आराम से, सीट से टच नहीं हो रहा।
तो मतलब कोई 6 फुट का भी हो तो वो आराम से बैठ सकता है इस गाड़ी में। बीच में थोड़ा हम पाता है उसकी वजह से हल्की सी प्रॉब्लम होती है। तो भाई जो मैं चीज़ बोल रहा था ना, उसमें कमाल की चीज़ लगती है मेरे को प्यूरीफायर। ये देखो ये बहुत सी लगते हैं मेरे को। ये आप यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो, ये देखिए ऑफ हो गया, इनसे ऑन कर सकते हो। इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे। अब ये कंपनी वाले बोलते थे भाई स्मार्ट प्योर एयर है, वायरस प्रोटेक्शन वगैरह, मतलब हवा साफ हो जाती है। मैं तो इतना बिलीव करता नहीं हूँ, इतने कहीं प्रैक्टिकल फीचर्स नहीं है। यहाँ से आप मोड वगैरह दे रखे हैं इसमें, ये डिस्प्ले का है, तो ऐसा कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें। बाकी 2 AC वेंट्स आपको पीछे मिल जाते हैं, और ये आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और ये जो चार्जिंग पोर्ट है, इसमें जो केबल लगती है वो iOS की लग सकती है, यानी कि आईफोन की। एंड्रॉयड वगैरह तो मुश्किल चार्ज होंगे इसमें। और भाई यहाँ आपको मिल जाती है एक पॉकेट, अभी लेदर उस पर एप्पल स्ट्रिप है वो लगा हुआ है, पिन्नी वगैरह तो हटा नहीं सकता मैं। और ये रीडिंग लाइट्स, भाई इसकी जो पोजीशन है ना, मेरे को थोड़ा अजीब लग रही है, प्रैक्टिकल नहीं है इतनी। इस जगह दे दो तो सही लगता, मतलब दिखी गई नहीं आसानी से, मैं पीछे बैठा हूँ तो कोई। बाकी भाई सेल्टोस में आपको ये चीज़ अच्छा मिलता है, ये देखो काले शीशे लगवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पीछे तो ज़रूरत नहीं है बट आगे है, क्योंकि आगे छोटे से मिलते हैं आपको ही, बस बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कोई दिखता है पीछे से डैशबोर्ड सेल्टोस का, काफ़ी प्रीमियम। और इस सीट्स आपको मिल जाती है ऐसे कुछ, यहाँ पर आपका आर्मरेस्ट हो गया। अभी सीट पे पिन लगी है, पॉलिथीन तो मैं हटाऊंगा नहीं इसको। बाकी यहाँ पे थोड़ी आपका स्पेस मिल जाती है, ये बॉटल होल्डर हो गया आपका, यहाँ भी बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। चलते हैं बाहर, गाड़ी ऑफ कर दियो, बटन दबा के वहाँ से। तो भाई मैं आ गया हूँ बाहर, और खोलते हैं इसके बूट को। भाई स्पेस जो गाड़ी में कितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है आपको, आप अपने 3-4 लगेज रख सकते हो। इसका फ्लेट हटाओगे तो और ज़्यादा स्पेस बन जाएगी गाड़ी में। बाकी बटन वगैरह कुछ नहीं मिलता, हाथ से आपको मैनुअली उसको बंद करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ आपको मिलती है टूल किट, जिसमें आपको स्पे भी मिल जाता है, और ये जैक वगैरह की पोजीशन दे रखी है। यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह, एक लाइट मिलती है यहाँ पर, बाकी कोई स्पीकर वगैरह प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है भाई, करते हैं इसको बंद। और ये पड़े आपके क्या बोलते हैं उसको, मैं भाई भूल गया। बाकी भाई ये है इसका रिवर्स कैमरा, आपको मिल जाते हैं टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है ये। ये मिरर हो गया आपका, शार्क फिट एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ। और ये जो किया का नया जो लोगो है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और भाई इस गाड़ी में कस्टम होने एक्सेसरीज लगवा रखी है, मैं आपको दिखाऊँ तो सिल्वर देख सकते हो आप, क्रोम यहाँ पर लगवा रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रहा है देखने में। और इसकी जो हैंडल है, तो हैंडल उस पर भी क्रोम लगवा रखा है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। वाइट कलर है तो उस पर सूट कर रहा है। बाकी सेल्टोस की बैचिंग आपको यहाँ मिल जाती है। भाई बात करें टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ है इसका ओके रहा 215/60/70 इंच का आपको टायर मिलते हैं, जो कि आपके एलोवेल देखते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। जेके का टायर मिलते हैं आपको इसमें, आगे डिस्क और पीछे भी डिस्क ऑफर की गई है, तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी हो गई है। डीजल कार है ये, इसके ORVM जिसमें आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। ऑल ओवर गाड़ी तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, यही कुछ इसके रीजन थे जिसकी वजह से गाड़ी बिकती है। माइलेज का तो बोलो मतलब कम ही देती है, अभी कस्टमर से पूछना पड़ेगा कैसे उनको मिल रहा है माइलेज वगैरह। तो भाई ऐसी थी कुछ वीडियो, कैसे कब किया सेल्टोस कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।